ये कुछ प्रश्न है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। ओके यस, आगे चलिए आगे चलिए, जिधर खत्म हुआ था। आगे 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 चलिए, आगे 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 और आगे। और आगे चलिए, और आगे चलिए, आगे 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 आगे। आगे आगे प्लीज चेंजिंग द स्लाइड। मेरा स्लाइड तो मूव नहीं कर रहा है। चेंज किया क्या स्लाइड? अरे बोल, am I audible to is it the change nahi hua idhar, pata nahi mera command to look everybody is having same issue, is just like top presenting to back presenting. Okay, yeah. I'll stop and like start presenting. ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। विल रिसाइट प्रेयर्स, जिनको प्रेयर्स पता है मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम। ऊपर जाइए, श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तम सजीवम द्वैतम सावधूतम। बस परिजन, उसके आगे जाइए, परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे मंथाकल्पतरुहस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्पातमहं वंदे श्री गुरुं गुणतारिणं परमानंद माधवं।
हरे कृष्णा। तो स्लाइड कौन चेंज कर रहे हैं? अब आमी चेंज करते स्लाइड কত থেকে শুরু হবে বলুন তো আমি যেরকম বলবো ঠিক আছে গড়বড় করবে না হ্যাঁ আমি যেরকম বলবো সেরকমই করো তো বাকি ভয়েস মে কোন কোন ক্লাস অ্যাটেন্ড কর রহে হ্যায় রিকি আছে রাহুল অক্ষয় বাবু আছে এই লোক হ্যায় ক্লাস মে না ইধর উধর ঘুম রহে ক্লাস মে ক্লাস মে আই গো টু সাম টাইম টু ফর প্রিপেয়ারিং দ্যাট ফর্ম গুগল ফর্ম आप उधर ही जाइए उधर रह के सब कुछ बनाइए ओके ब्रो ठीक है और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आई रिक्वेस्ट देम टू चेक द अटेंडेंस बिकॉज़ मेनी ऑफ द डिवोटीज आर नॉट प्रेजेंट टुडे आई डोंट नो व्हाई आई एम इज प्रेजेंट बाय फोन ब्रो जा रहा हूं विद इंटरनेट गॉट ओवर दैट्स व्हाई इंटरनेट तो खूब ये कर सकते हैं ना ₹10 ₹20 लगेगा 1 GB भरने में आनंद ब्रो ब्रो बोल रहे उतना क्या पैसा कम ही है क्या उसका ₹10 20 नहीं है पॉकेट में अरे इतना नहीं मेरा भी इतना है मैं भी ये पहले पूछा था और जियो का पैसा वन डबल रहना चाहिए कोलाघाट चला जाता है और इंटरनेट भर नहीं सकता क्या अरे 2 GB भर लो ₹20 में कितना लगेगा रिचार्ज नहीं है और आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है BSNL में और BSNL में नेट भी खत्म हो गया है इंदिरा सर का गीता का ऊपर एक दो सेशन था वो अटेंड किया सब का खत्म हो गया फिर भर लो उसमें भी कुछ पैक रहेगा ना उसमें BSNL में अभी बारिश हो रहा है उस वजह से इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है प्रभु मैंने पहले ज्वाइन किया था ऑनलाइन वहां पर पूरा आपका आवाज हो गया ना कट जब कर कट के आ रहा था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने संसद अक्षय प्रभु को और गोविंद प्रभु को मैसेज किया तब अक्षय प्रभु ने मुझे कॉल बैक किया जियो में ठीक है देख लीजिए व्हाट एवर इज पॉसिबल ठीक है पूरे दिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ आज पता है थोड़ा दिक्कत होगा चेष्टा करते जितना होता अगर कोई दिक्कत रहेगा तो मैं आपको क्वेश्चन कर दूंगा ठीक है हरि बोल अक्षय प्रभु प्रलय प्रभु क्यों ज्वाइन नहीं किया प्रलय I called him, he's not receiving probably. I'll again call him back. Okay, and who else? Sahil. Or... I also called Nidhish. Nidhish Prabhu is calling them, Nidhish Prabhu. Chandan Prabhu. Okay, ठीक है. तो थोड़ा सा स्लाइड आगे चलते हैं आगे इसके बाद चलिए चलिए स्लाइड इज नॉट मूविंग आगे चलिए बहुत सारा नेटवर्क इश्यू है मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है यस ब्रो जी प्रभु यस ब्रो हमने एक और कौन देखते हैं सर मेरे को यहाँ पे हम लोग की जगह अक्षय प्रभु जी का उधर वॉइस का नेटवर्क डाउन है सर ठीक है वी आर शोइंग अर्जेस ऑफ माइंड एंड एंगर इधर दिखा रहा है बात मैंने कौन सा देखा है अभी आया है बात से मेरे इंटरनेट स्लो लिटिल बिट इंटरनेट स्लो प्रो जी टेक सम टाइम टू कम ओके थोड़ा पीछे चलिए पीछे पीछे चलिए स्लाइड को पीछे करिए पीछे करिए पीछे करिए
नीचे करिए, हाँ बस 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 ये, हाँ नहीं 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 ठीक है ठीक है, इधर रहिए इधर रहिए। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी टू हियर, आई एम सॉरी फॉर डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस। आप सब लोग रेडी हैं, सभी भक्त लोग? विष्णु प्रभु, विष्णु प्रभु आचे क्लास है, विजय प्रभु, वरुण प्रभु, प्रभु आजी। ओके भालो करे सुनबे, नोट बनाबे, कुणाल प्रभु, प्रभु ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট প্রভু ইনস্ট্রাকশন, ভাগবত গীতা যে কোর্স চল রা সব লোক রিকোয়েস্ট হ্যাঁ সব লোক নোট বানাইয়ে ঠিক আছে, নই তো কালি ভুল যায়গে আর বুকস আপকো ভেজা যায়গা জিনকে পাস নেহি হ্যায়, প্লিজ রিড দা বুকস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুকস। তো প্রতীক প্রভু তুমি আছো ক্লাসে, বরুণ প্রভু আপ হ্যায় ক্লাস মে? জি প্রভু জি। তো প্রতীক, বরুণ, वरुण भट्ट, वरुण कुमार प्रभु, वरुण प्रभु इज नॉट एक्टिव। ओके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, जो भी प्रैक्टिकल लेवल में एडजस्टमेंट करना चाहिए, ट्राई टू एडजस्ट। ओके आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग योर टाइम टू अटेंड दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स, दिस इम्पोर्टेंट बुक दैट इज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिटन बाय द मोस्ट मोस्ट प्योर पर्सनैलिटी दैट इज रूपु गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। तो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति के जो शिक्षा है रूप गोस्वामी पाद को देखे गए थे और रूप गोस्वामी पाद उनके ऊपर ग्रंथ रचना किए हैं, कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो भागवत गीता का लक्ष्य है कृष्ण के पास शरणागत होना, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करना, और भक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है रूप गोस्वामी पाद नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सूत्र है कैसे श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वीक में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है, आत्मा अपने मन और अपने इंद्रियों की गुलाम बन के इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है, और इसलिए बद्ध अवस्था में आत्मा को गो दास कहते हैं, इंद्रिय की गो मतलब इंद्रिय, इंद्र की दासत्व कर रहे हैं, और इस प्रकार इस भौतिक जगत में मनोषष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति कृष्ण गीता में कहते हैं, आई थिंक 15.7 होगा 15.7। तो कृष्ण कहते हैं कि मामोई बांसो जीवो लोके जीवो भूता सनातना, जो जीव मेरे सनातन अंश है, लेकिन मनोषष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती, लेकिन मेरे सनातन आत्मा मेरे को भूल जाने के कारण मनोषष्ठानी इंद्रियानी मन और बाकी पांच इंद्रिया ये सब लेके छह इंद्रिया मनोषष्ठानी इंद्रियानी, तो छह इंद्रिया इंक्लूडिंग माइंड प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति रूप स्थान में क्षेत्र में कर्षति संघर्ष कर रहे हैं। तो कृष्ण भूली से जी भगवान छा करे निकटस्थ माया तरे झापोटिया धरे, तो कृष्ण को भूल के जब जीव भोग करने की प्रयास करते हैं तो माया उसको पकड़ लेता है, और इस प्रकार ये जो इंद्रियों को अलग अलग जो भोग के इंद्र की भोग के विषय में पूरी तरीके से
अटैच हो जाना हमारे बंधन का कारण है। और इस प्रकार आत्मा इंद्र की बेग जो होता है, इंद्र के अलग अलग बेग, तो छह प्रकार बेग हम लोग श्रवण किए, वाच्य बेगम, मनस्य बेगम, क्रोधो बेगम, जिह्वा बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम, ये छह प्रकार बेग के कारण आत्मा बहुत प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। आत्मा जो सोल बिकम इन्वॉल्व एंड परफॉर्म मेनी सिंपल एक्टिविटी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाप कर्म से कैसे मुक्त हो सकते हैं और आत्मा अपने अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रायश्चित्त के बारे में, पाप कर्म से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित्त कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी प्रायश्चित्त के बारे में बोलते हैं तो महाराज परीक्षित उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि जैसे हाथी होता है, हाथी तालाब में नहाता है और नहाने के बाद फिर से तट पे आके फिर से अपने शरीर में धूल लगा लेता है, तो ऐसे नहाने से क्या फायदा होता है। उसी प्रकार आज के जमाने में है लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं और उधर तीर्थ में या गंगा में नहा के आ जाते हैं और फिर से पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में लोग चर्च में जाते हैं कॉन्फेस करने के लिए, ये मैंने ये किया है, मेरे को मेरा मेरे को माफ करिए, और फिर आके फिर से पाप करने लगते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित्त का कोई फायदा नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति अगर पाप करते हैं, पाप से बचने के लिए पुण्य कार्य करते हैं या प्रायश्चित्त करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है अगर उस पाप कार्य को वो बंद नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रायश्चित्त करने से शायद पाप कर्म की फल को थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पाप कर्म करने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं होता है। उदाहरण दिया जाता है, लीकर के बोतल से, दारू के बोतल से पूरा दारू निकाला जा सकता है, लेकिन निकालने के बाद भी उसमें दारू का स्मेल रह जाता है। उसी प्रकार लोग पाप कार्य करते हैं और प्रायश्चित्त करते हैं, पाप कार्य करते प्रायश्चित्त करते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म करने की आदत नहीं छूटती है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म भोग करने की इच्छा अभी भी हृदय में प्रबल है। तो इसलिए प्रायश्चित्त सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पद सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से क्या होता है, केवल पाप कर्म के जो फल वो ही केवल विनाश नहीं होता है, पाप कर्म करने की जो इच्छा है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो उसके संदर्भ में नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापं कुटं बीजं फलन मुखं क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। अगर कोई व्यक्ति विष्णु भक्ति में रत हो जाता है तो जितने प्रकार के पाप होता है, अप्रारब्ध मतलब जिसका जो इस जीवन में किया है, प्रारब्ध पिछले जीवन में किया है, या फलम जो फल भोगने वाले हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कुटं बीजं, कुछ पाप होता है हमारे हृदय में है, पिछले जीवन में किया है और और उसकी इच्छा अभी इस जीवन में नहीं किया, पिछले जीवन में किया है और पिछले जीवन में करने के कारण उसका फल, उसका जो इच्छा कूट के रूप में, बीज के रूप में हमारे हृदय में है। बहुत बार हम लोग देखते हैं हमारे हृदय में बहुत इच्छा होता है, आरजेस उसको इच्छा होता है अलग अलग प्रकार के पाप कर्म करने की, नशा करने की, इलिसिट सेक्स करने की, ऐसे बहुत प्रकार के इच्छा होता है क्योंकि पिछले जीवन में किया है, उसको बोलते कूट और बीज। पर बीज में जितना आप क्या देंगे, पानी देंगे, उसको जितना कल्टीवेट करेंगे तो क्या उसमें से फल आ जाएगा, बीज से फल। तो अगर आपके अंदर इच्छा है, बैड एसोसिएशन करेंगे, गलत वैसे लोगों के संग करेंगे तो क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा।
थिंकिंग फीलिंग विलिंग. तो ये सारे प्रकार के पाप का जो इफेक्ट है, पाप का अलग अलग प्रकार के स्तर होता है, ये साइकिल के साथ चलता रहता है, साइकिल के साथ चलता रहता है. तो ये सारा खत्म हो जाता है विष्णु भक्ति में अगर रत हो जाता है. तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भक्ति सॉल्यूशन है. और भक्ति का दो तरीका हम लोगों ने लास्ट टाइम था प्रभुपाद जी के पार्टपोर्ट से हम लोग चर्चा किए थे. एक होता है कि हम लोग अष्टांग योग के द्वारा, जो विधि निषेध जो तपस्या के द्वारा हम लोग इंद्रियों का संयम करते हैं, और उसमें है अलग 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 पद्धति होता है, जम नियम आसन प्राणायाम तपस्या जो ब्रह्मचार्य. तो ये सारे जो प्रकार के हैं प्रकार के पद्धति हैं जो गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों के लिए लागू है. तो इसके द्वारा जैसे एक व्यक्ति रोगी जिस प्रकार बहुत सारे विधि निषेध के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, विधि निषेध के द्वारा धीरे धीरे रोग मुक्त होता है, उसी प्रकार एक योगी एक साधक ये सारे जो तपस्या या इंद्रिय संयम के द्वारा संयम के द्वारा रोग मुक्त हो सकता है. लेकिन ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है और बहुत बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे मुनि ऋषि लोग हैं भी भ्रमित हो गए हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि, सौवरी मुनि, बहुत सारे मुनि ऋषि तपस्या करने के बाद भी अलग अलग प्रकार के माया के जो प्रभाव से उसे भ्रमित हो गए. तो इसलिए ये बहुत आसान नहीं होता है. लेकिन दूसरा प्रोसेस जो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, दूसरा प्रोसेस है अगर हम लोग भाग्य से अगर किसी भक्तों के संग में आते हैं, अगर हम लोग भाग्य से अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है और भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, तो और भगवान के भक्तों के संग में कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं और कृष्ण भक्ति के जो बेसिक जो तपस्या है चार नियम, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये जो बेसिक तपस्या है इसको पालन करते हैं, तो फिर ये जो अष्टांग योग के जितने भी प्रोसेस है इसको बाईपास कर सकते हैं. अष्टांग योग के जितने भी प्रोसेस जिसको स्टेप बाय स्टेप बहुत प्रकार तपस्या करके हैं उनको आगे जाना पड़ता है, विधि निषेध को पालन करके इंद्रिय के जो आकर्षण है, इंद्रिय के जो आर्जस है उससे मुक्त होना पड़ता है, तो ये सारे चीज को ओवरकम कर सकता है, बाईपास कर सकता है केवल शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में अगर भगवान के भक्ति का अनुशीलन करते हैं. तो भगवान के भक्ति का अनुशीलन करने से स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उनके आकर्षण डेवलप हो जाता है, कि भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान के साथ आत्मा का शाश्वत संबंध है. अभी बद्ध अवस्था में आत्मा या हम लोग इंद्रिय के अलग अलग विषयों के प्रति आकर्षित है, लेकिन जब भगवान के भक्तों के संग में हमें हम लोग भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में नियुक्त होते हैं, हमारे सारे इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, तब क्या होता है, हमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है. और केवल मात्र जो बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है. तो हम लोग थोड़ा सा उपदेशामृत किताब में जा सकते हैं, उपदेशामृत किताब में हम लोग जाएंगे, फिर से इस श्लोक में आ जाएंगे, टेक्स्ट वन उपदेशामृत जो बुक है, दूसरे को पूछिए अक्षय प्रभु, थोड़ा सा वेदाव्यास में चलेंगे, ऐसा नहीं आपको उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा. तो श्लोका नंबर 1 राइट प्रभु,
इस ओपन ओवन में परपोर्ट में जाएंगे। तो लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़े थे, एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा चलिए नीचे चलिए नीचे नीचे फटाफट चलो 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 चलो। हाँ रुकिए 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 ऊपर जाइए। हाँ बस ओके अभिषेक तू ऊपर सकते हैं। फर्स्ट वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर। एक मिनट एक मिनट। हाँ उसके ऊपर में जाइए उसके ऊपर में जाइए। हाँ हाँ बस बस रियल अटोनमेंट। हाँ ये अभिषेक तू थोड़ा पढ़िए। I am road. Very nice. Okay, who else can read? मैं पढ़ूँ। Okay, पढ़िए। A real atonement involves coming to real knowledge, and for this there is a standard process. When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodological life is described as tapasya. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possessions in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asanas. However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling the mind by the mystic yoga process, simply by following the regulative principles of Krishna consciousness, refraining from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of the bona fide spiritual master. This easy process is being recommended by Srila Rupa Goswami. Okay, thank you. So, इधर हाँ पहले जो पहला पार्ट में प्रभुपाद और तपस्या या अष्टांग योग के बारे में कहते हैं किस प्रकार जो अष्टांग योग की प्रोसेस है जो तपस्या यम नियम अलग अलग समो दमो तपो शौच शांति रार्जवम। तो ये जो पद्धति है उसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयम कर सकते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास पेशेंट अपने विधि और निषेध पालन करने के द्वारा मेडिसिन लेने के द्वारा धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। तो लेकिन वो प्रोसेस कभी कठिन होता है, विशेष करके कलयुग के लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन हाउएवर इफ वन इज फॉर्चुनेट एनाफ टू गेट एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, ही कैन इजीली सरपास ऑल द प्रैक्टिसेस बाय कंट्रोलिंग द माइंड by the mystic yoga process, which is mystic yoga process, bhakti yoga, simply by following the regulative principles of Krishna consciousness. The char niyam hai, refraining illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. Nasha karna, jua khelna, avaidh sang karna aur maasahar karna. Ye jo char jo paap karma hai, isko agar chhodte hain और कृष्ण भक्ति में कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं सद्गुरु के गाइडेंस में, तो ये सारे जो पद्धति है जो बहुत कठिन है कलयुग के लिए तो इसको सरपास कर सकते हैं, इसको बाईपास कर सकते हैं और दिव्य ज्ञान या भक्ति के स्तर पे अधिष्ठित हो सकता है। तो एक व्यक्ति पाप कार्य को छोड़ नहीं पाता है
ये पाप कार्य है जानने के बाद भी, क्योंकि उनको केवल थियोरिटिकल नॉलेज हुआ है, उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो कृत्रिम तरीके से पाप कर्म के सारे जो क्रियाकलाप को छोड़ने के बाद भी लोग फिर से पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है दारू पीता है, और दारू पीते पीते क्या होता है, उसका सिस्टम सब खराब हो जाता है, और फिर है वो सोचता है अरे दारू एकदम खराब है और मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं, और जब तबीयत ठीक हो जाता है फिर से दारू के दुकान में चले जाते हैं। उसी प्रकार लोग इलिसिट सेक्स करते हैं, और इलिसिट सेक्स करने के बाद बहुत सारे डिजीजेस हो जाता है, डिजीज होके जब सफर करते तब बोलते इलिसिट सेक्स खराब है। लेकिन जब तबीयत डॉक्टर दिखाने के बाद फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, फिर से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार भोग और त्याग इसको बोलते हैं मर्कट वैराग्य, इसको कहते हैं फोलगु वैराग्य, शशान वैराग्य। तो एक्चुअली वैराग्य नहीं है, तो क्योंकि शरीर खराब हो गया इसलिए बोल रहे खराब है, सेंस ग्रेटिफिकेशन खराब है। लेकिन जब शरीर स्वस्थ हो जाता है फिर से उसमें लग जाता है, क्योंकि उनको साथ नहीं दे रहा है, शरीर में क्षमता नहीं है, लेकिन भोग करने की इच्छा नहीं गया है। और इस प्रकार आत्मा इस भौतिक जगत में पुनः पुनः चर्बित चर बनाना, बार बार चबाया हुआ चीज चर्बी बोते रहते हैं, बार बार वही इंद्र तृप्ति में भटकते रहते हैं अलग अलग शरीर में। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति ये शुद्ध भक्ति के जो पद्धति है भगवान के सेवा में नियुक्त नहीं होता है, तो भगवान के प्रेममयी सेवा करने की जो इच्छा है वो जागृत नहीं होता है। तो जब भगवान के प्रेममयी सेवा में नियुक्त हो जाता परम दृष्टा निवर्तते, तो तब क्या होता है, उनको दिव्य आनंद का आस्वादन होता है, दिव्य रस का आस्वादन होता है। और जब उनको ऊंचा रस मिलता है स्वाभाविक रूप से नीचा रस छोड़ देता है स्वाभाविक रूप से ही। तो इस प्रकार भक्ति जो है शुद्ध भक्त के गाइडेंस में जो भक्ति योग है एक दिव्य प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग भगवान के प्रति प्रेममयी संबंध को हम लोग पुनर्जागृत कर सकते हैं, और इंद्र के जो विषय हैं उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो अभी हम लोग स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो छह प्रकार के जो वेग है, वाचो बेगम, मनसो बेगम, क्रोधो बेगम, जीवा बेगम, उदरो बेगम, उपस्थ बेगम है, छह प्रकार के जो वेग है, ये छह प्रकार के जो वेग है इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड को थोड़ा जिधर हम लोग शुरू किए थे। तो वाचो बेगम मतलब वाक्य का वेग, तो वाक्य का वेग, और फिर क्रोधो वेग, मनोवेग, ये मन की वेग, वाक्य का वेग, मन की वेग, शरीर के वेग, तीन भाग में डिवाइड किया गया है, वाक्य का वेग, मन की वेग और जीवा की वेग, सॉरी वाक्य का वेग, मन की वेग और शरीर के वेग। तो शरीर के वेग को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जीवा, उदर, उपस्थ, ये तीन भाग में, शरीर के वेग को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जिह्वा, उदर, उपस्थ, जो एक स्ट्रेट लाइन में है। स्लाइड क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं? आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? पीछे जाइए, पीछे ये। हाँ बस, आगे जाइए आगे। हाँ ठीक है। तो आर्चेस ऑफ स्पीक
देन आरजेएस और द डिमांड ऑफ माइंड अटैचमेंट एंड एंगर एंड देन आरजेएस और डिमांड ऑफ बॉडी टंग बेली एंड जेनिटल्स. तो ये तीन भाग में डिवाइड किया है, वाक्य का वेग और फिर मन की वेग. मन की वेग को दो, मन की वेग का दो भाग, एक मन की वेग और एक है क्रोध की वेग. तो ये मन की मन मन के अंदर रहता है क्योंकि क्रोध के साथ मन का कनेक्शन है. और फिर शरीर के वेग, तो शरीर के वेग को जीवा उदर और उपस्थ, ये तीन भाग में डिवाइड किया गया है. तो इफेक्ट ऑफ सकम्बिंग टू दिस थ्री आरजेस लाइफ बिकम इनऑस्पिशियस. जब हम लोग इस छह प्रकार के वेग या तीन प्रकार के वेग, शरीर और वाक्य और मन, इस तीन प्रकार के वेग के द्वारा प्रभावित होते हैं, तब क्या होता है, हमारे पूरे शरीर अपवित्र हो जाता है, हमारे पूरे शरीर इनऑस्पिशियस हो जाता है. तो इसलिए तपस्या करना जरूरी है. तो भक्ति योग में भी जो बेसिक तपस्या है हमें उसको करना चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है. तो ऋषभदेव कह रहे हैं, नाहम देहो देहो भाजान लोके अष्टान कामन और हते बीट भुजानते तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम शुद्धेति अस्मत ब्रह्म सुखम तम अनंतम. तो तपो दिव्यम, तो जो ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है. पशु शरीर इंद्रिय भोग के लिए है. पूरा स्लाइड दिखाइए. पशु जो शरीर है वो इंद्रिय भोग के लिए है. तो पशु को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको जीवन के लक्ष्य के बारे में, जो आत्मा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो पशु क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन. लेकिन मनुष्य जीवन में धर्म ही तेषा मधि को विशेष हो धर्मेनो हीना पशु भी समाना. मनुष्य जीवन में एक एक विशेष फैसिलिटी है, वो क्या है, मनुष्य प्रश्न जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा. तो धर्म जो है इंक्वायरी, आध्यात्मिक इंक्वायरी करने की विशेष बुद्धि है मनुष्य में. तो इसलिए मनुष्य शरीर इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है. इंद्रिय भोग करना है तो पशु शरीर बेटर है, पशु शरीर में इंद्रिय भोग कर सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में अगर इंद्रिय भोग करना भी चाहते है, कर नहीं पाएगा कोई. जैसे भालू घंटों घंटा सोता है, अगर मनुष्य सोना चाहता है सो पाएगा, नहीं कर पाएगा. पशु पक्षी लोग बहुत सारे दिन भर इंद्रिय भोग करता है और बहुत सारे बच्चा पैदा करता है. मनुष्य लोग अगर करना चाहता है फिर भी उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा. तो इसलिए मनुष्य शरीर एक्चुअली डिजाइन किया गया है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया है गॉड रियलाइजेशन के लिए. तो इसलिए मनुष्य शरीर को सदुपयोग करना चाहिए. धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु की समाना. तो मनुष्य शरीर को सदुपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति अनुशीलन करने के द्वारा. तो इसलिए तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम, इसलिए ऋषभ देव उनके पुत्र को कह रहे, ऋषभ देव भगवान की अवतार है, तो उन पुत्र को कह रहे हैं कि आपको दिव्य तपस्या करना चाहिए. और दिव्य तपस्या करेंगे तो क्या होगा, ब्रह्म सुख्यम तम अनंतम, अनंत सुख का आस्वादन होगा. तो हम लोग सब किस सुख की तलाश करें, उसके लिए क्या करें, इंद्रिय भोग के पीछे जा रहे हैं. लेकिन इंद्रिय भोग हमारे बंधन का कारण है, हमारे दुख का कारण है. तो इसलिए अगर हम लोग असली सुख चाहते हैं तो तपस्या करना चाहिए. तो तपस्या शुरुआत में कष्टदायी लगता है, लेकिन अंत में अमृत के जैसा है. प्रेयसुख श्रेयसुख, प्रेयसुख मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस. शुरुआत में आपको आपको बहुत आनंद लगेगा, स्मोकिंग करिए, मास्टरबेट करिए, गलत कार्य करिए, दारू पीजिए, शुरू में लगेगा बहुत एंजॉयमेंट है, लेकिन आगे जब जाएंगे विषवत हो जाएगा, बहुत दुख मिलेगा, अलग अलग प्रकार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से आपको कष्ट मिलेगा. लेकिन जो तपस्या है, शुरुआत में कष्ट होता है थोड़ा, मन को इंद्र संयम करना, ये चार नियमों का पालन करना, मांसाहार छोड़ना, नशा छोड़ना, जो शुरुआत में कष्ट होता है, लेकिन जब आप कुछ समय उसको पालन कर लेंगे, आप लोग भगवान के भक्ति में जुड़ जाएंगे,
और कुछ समय आप पालन करते हो धीरे धीरे अमृत के जैसा लगेगा, यही नेचुरल लगेगा। तो इस प्रकार तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम शुद्धेति अस्मात् ब्रह्म सुख्यम तमनंतम। तो इसलिए ऋषभदेव कह रहे हैं कि ब्रह्म सुख प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग इस तपस्या को करते हैं। तो अभी हम लोग छह प्रकार के जो वेग है उसको कैसे हम लोग संयम कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हमें दिव्य आनंद के आस्वादन होगा, उच्च रस को आस्वादन होगा, स्वाभाविक रूप से हमें इंद्र के विषय के प्रति जो हमारे आकर्षण है या इंद्र के जो वेग है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाच्य वेगम, तो बाच्य वेगम, तो इसके संदर्भ में भागवतम के सेकंड चैप्टर में 2.1.2 में बताया गया है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र दीनाम शांति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। तो श्रोतव्यादिनी राजेंद्र दीनाम शांति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। तो दो प्रकार के गृहस्थ हैं, एक गृहस्थ और एक गृह मेधी। तो गृहस्थ वो होते हैं जो कृष्ण को सेंटर करके अपना फैमिली लाइफ लीड करते हैं, तो अपने परिवार के सब लोग मिलके कृष्ण भक्ति करते हैं, वो है गृहस्थ। और एक होता है गृह मेधी। तो गृह मेधी क्या करता है ना, उनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग उनके जीवन का लक्ष्य है। तो वो क्या करते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र ऋणाम शांति सहस्रशो अपश्यताम आत्म तत्व। अपश्यताम आत्म तत्व मतलब आत्म तत्व विहीन, आध्यात्मिक जीवन विहीन, बहुत प्रकार के सहस्र सहो मतलब हजार हजार प्रकार के टॉपिक वो लोग चर्चा करते हैं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र सुनते रहते हैं और क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। उनके पास आत्म तत्व विहीन, आत्म साक्षात्कार विहीन ऐसे बहुत सारे प्रकार के टॉपिक्स हैं, और वो देख नहीं पाते, अपश्यताम वो समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है आत्मा, और इसलिए शरीर के भोगों के लिए अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स वो लोग बोलते रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, शेयर मार्केट, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, पास के फैमिली में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके परिवार में क्या हो गया है, तो इस प्रकार है अलग अलग टॉपिक, क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, परो निंदा परो चर्चा, ये बंगाल में बहुत फेमस है और इसमें बहुत लोग रस लेते हैं। दूसरे घर में क्या चल रहा है, सब बहुत सारे माता जी लोग आके एक जगह बैठ जाते और बातें करते रहते, बताएं उसके घर में क्या हुआ है, उसका बेटी ने ये किया है, उसका बेटा के साथ ये हो गया है, ऐसे सब लोग चर्चा करते रहते हैं। उसी प्रकार ऑफिस में और कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग एक दूसरे के बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ, सब फुस करते हैं, बक 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 करते रहते हैं। तो हर फील्ड में लोग अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग प्रकार से लोग बक बक करते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, अलग अलग प्रकार से टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं, हजार हजार प्रकार के टॉपिक्स। आप न्यूज़पेपर जाइए, आर्टिकल्स जाइए, सोशल मीडिया में जाइए, हजार हजार प्रकार के टॉपिक्स बनाया हुआ है जिसको कोई लाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जीवन के परम लक्ष्य के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लोग टाइम पास करने के लिए अभी नया एक 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 ऐप आया है मौज, सब क्या फालतू, किसका कोई लेन देन नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लोगों को हंसाने के लिए लोग इतना दुखी हैं कि लोगों को हंसने की कोई क्या बोलते सुख के कोई 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 टॉपिक नहीं मिल, सुख का कोई सुख मिल ही नहीं रहा है लोगों को। आज विवेक बिंदा पू बोल रहे हैं, जिधर ज्ञान है उधर सुख है और जिधर अज्ञान है उधर दुख है। तो अज्ञान में रह के कैसे आप सुखी हो सकते हैं,
और मौज मौज ऐप बनाइए और क्या बोलते हैं यश हा? और एक उसके साथ और एक ऐप ऐप निकला है हा? तो इस प्रकार अलग अलग टॉपिक फालतू फालतू यूजलेस लोगों को बुद्धू बना के मूर्ख बना के लोग उसमें अलग अलग टॉपिक उसमें चर्चा कर रहे हैं हा? सुन रहे हैं बोल रहे हैं तो इस प्रकार ये गृह में भी जो जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय भोग अलग अलग टॉपिक में एब्सॉर्ब है बोलते रहते हैं भक भक करते हैं दिन रात और वो देख नहीं पाता है कि उनके मृत्यु आने वाला है देख नहीं पाता है कि उनकी अवश्य संभावित मृत्यु उनके लिए अपेक्षा कर रहे हैं तो इसलिए लोग दिन रात 24 घंटा बक बक कर रहे हैं अनलिमिटेड है यूजलेस स्टॉक इसको ग्राम कथा कहते हैं ग्राम कथा तो आगे चलते हैं आगे वाले स्लाइड तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई अननेसेसरी टॉक करते यूजलेस टॉक करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है इसका प्रॉब्लम है प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जैसे मेढक होता है मेढक दिन रात वो जब क्या होता है वो बारिश होता है तो बारिश का समय क्या होता है बारिश का सीजन है तो गांव में तालाब के पास जंगल के पास उधर मेढक है मेढक क्या करता है ऐसे आवाज करता है और जब मेढक जब ऐसे आवाज करता है तो कौन आता है मेढक जब आवाज करता है सांप आ जाता है तो मेढक जब आवाज करता है तो सर्प आ जाता है और सर्प आके क्या करता है उसको खा जाता है तो अक्सर पुरुष लाइट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसी प्रकार जब लोग यूजलेस टॉक करते हैं अननेसेसरी गॉसिप व्हिच इज डिवॉइड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अपश्यतम आत्मतत्व विहीन जब बातें करते हैं सुनते रहते तब क्या होता है उनका मृत्यु और नजदीक आ जाता है आयुर हरति वैपुंसम भागवतम में श्लोक है फर्स्ट कैंटो में उद्दान अस्तम चयन नसो सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ डेली एक व्यक्ति का आयु हरता है और जितना आप यूजलेस टॉक करेंगे उतना ही आयु हर लिया जाएगा उतना ही आपका आयु कम होता जाएगा तो यूजलेस टॉक का प्रॉब्लम क्या है आयु हरती मृत्यु एग्जाम्पल मेढक एंड स्नेक तो सॉल्यूशन क्या है व्हाट इज द सॉल्यूशन आयुर हरति वैपुंसम उद्दान अस्तम चयनसो तस्यार्थे यत् स्वनोनीता उत्तम श्लोक वार्ताया परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य चरित्र जो है जो चरित्र उत्तम श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया है गाया गया है उत्तम श्लोक वार्ताया उत्तम श्लोक भगवान के जो वार्ता है मैसेज है भगवत गीता भगवान के गाया हुआ गीत तो इसको अमृत के साथ तुलना किया गया है भारतामृत सर्वेशम विष्णु भक्ताद विनिश्रितम भारतामृत सर्वेशम विष्णु भक्ताद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्ता पुनर्जन्म न विद्यते अगर इस दिव्य अमृतमय वार्ता को कोई अगर सुनते हैं जो भगवान भगवान के मुख निश्चित हैं तो क्या होगा क्या होगा उनको पुनर्जन्म ना अभी तक दोबारा जन्म नहीं होगा तो इसलिए भगवान के मुख निश्चित वाणी उसको सुनने में या बोलने में अगर समय व्यतीत करता है तत्सार्थ जब सनोनीता उत्तम श्लोक वार्ता है तो तब उनका मृत्यु नहीं होता है सूर्य उनका आयु हर नहीं पाता है तो इसलिए यूजलेस टॉक नहीं बोल के कृष्ण कथा बोलना चाहिए
इंस्टेड ऑफ पिकिंग ऑल नॉनसेंस, ऐसा बोला जाता है, अगले वाले स्लाइड में चलते हैं, ऐसा बोला गया है कि कोई व्यक्ति मूर्ख है कैसे समझेंगे, जब वो बोलना चालू करता है, जब बोलना चालू करता है तब पता चलता है कि कैसा नॉनसेंस व्यक्ति है, जब उल्टा सीधा बोलना चालू करता है। तो इसलिए इसलिए मौन व्रत धारण करके बैठे रहना ये सॉल्यूशन नहीं है। कोई सोच सकते यूजलेस टॉक नहीं बोल के मौन व्रत धारण करके रहें, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत सारा जोगी है कुछ बोलते नहीं है और लोग बहुत फेमस हो जाता है वो लोग। तो एक बार हमारे इस्कॉन के डिवोटीज जा रहे थे किसी धाम से जा रहे थे, वृंदावन किसी जगह से जा रहे थे, उधर उधर एक साधु था 20 साल से कुछ नहीं बोला। तो हालांकि मौनता थोड़ा सा फेवरेबल है, लेकिन 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 उसको अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज नहीं करते हैं तो मौनता ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ज्यादा देर तक आप जोर करके उसको दबा के उसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्र की एक एक्टिविटी होता है, और सेंसेस का एक्टिविटी होता है, एक्शन होता है। तो इसलिए वो जो वो जो आदमी था 20 साल से बात नहीं किया, वो भक्तों से भक्त लोगों को आपने उसके पास स्लेट था, उस स्लेट में लिख के देता था, स्लेट में लिख के देता था क्योंकि बोलता नहीं था तो स्लेट में लिख के देता था। उसने स्लेट में लिख के दिया था व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या स्कोर है, आज तो मैच चल रहा है, इंडिया का क्या स्कोर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग बोल नहीं रहा है लेकिन चिंता क्या कर रहा है, क्रिकेट का, चिंता क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स का, चिंता क्या कर रहा है, भौतिक विषयों का। जैसे ज्यादा देर तक वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समाधान है, समाधान जो है अपने वाक्य को भगवान की सेवा में लगाओ। तो भगवान के सेवा में कैसे लगा सकते हैं, अपने भगवान के गुणगान करो, भगवान की वाणी का प्रचार करो। तो जो यूजलेस टॉक है जो हमारा मृत्यु का कारण है, एग्जाम्पल मेढक, वही वही बोलने की क्षमता को जब आप भगवान की वाणी प्रचार करने में दूसरे को कृष्ण भावना में लाने के लिए मदद करोगे, तो वही वही बोलने की जो 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 आ, आ, जो कार्य है, बोलने का कार्य है, वो भगवान को आकर्षित कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं 18 अध्याय में 68 नंबर श्लोक, तो 68 नंबर श्लोक में 18.68 में भगवान बोलते हैं कि नचेत अस्मात् मनुष्येषु क्वश्चिन् मे प्रियकृत्तमः जयदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्ता मामे वश्यसि असंशय। देखिए कृष्ण बोल रहे हैं इधर, जयदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति, फॉर हु, फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटेड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। तो भगवान बोल रहे हैं जो गीता के ज्ञान अगर दूसरे को बांटते हैं, दूसरे को बोलते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है, भक्ति मई पराकृत्ता मामे वैश्यसी, मेरे पास आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो यूजलेस टॉक हमारे मृत्यु का कारण है, वही बोलने की शक्ति अगर भगवान की वाणी प्रचार करने में, दूसरे को बताने में अगर आप व्यवहार करेंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्या बोलते हैं, मौन, मौन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो मौन नहीं रह के अगर हम लोग भगवान की वाणी प्रचार करने में आचार्य, इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंस, इफ यू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, दूसरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं, तो फिर क्या होता है, कृष्ण आकर्षित होता है, कहा मृत्यु और कहा कृष्ण प्राप्ति,
तो कृष्ण गीता में खुद कहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, भारत भूमि तो इल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी पर पर उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनको देखिए आप उनको कृष्ण उपदेश दीजिए, और इस प्रकार आमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, मेरे आज्ञा से आप गुरु बन के इस पृथ्वी को इस देश को आप उद्धार करिए। इस प्रकार वाच्य बेगम वाक्य के बेग को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आज के जमाने में जितने भी बहुत प्रकार के तथाकथित जो नोबेल्स हैं, नोबेल्स और फिर मैगजीन्स जो हैं, और बहुत सारे प्रकार के मायावादियों की जो किताब है, ये सारे जो है वाच्य बेगम, ये सारे जो किताब है ये सारे यूजलेस टॉक है, जिसमें भगवान के बिना बहुत प्रकार के अनाप शनाप लिखा गया है। तो जिसको अगर आप पढ़ेंगे, उसको अगर पढ़ेंगे तो आप भगवान को भूल जाएंगे। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। यूजलेस टॉकिंग ऑफ इम्पर्सनल मायावादी फिलोसोफर्स, पर्सन एंगेज इन द फ्रूटिव एक्टिविटीज टेक्निकली कॉल्ड कर्म कांडी, मैटेरियलिस्टिक पीपल हु सिंपली वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो आर्जेस ऑफ स्पीच जो है, ये जो आर्जेस ऑफ स्पीच है, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। तो उसका उधर है मायावादियों की अलग अलग किताब है, मायावादी है वो भगवान को निराकार मानते हैं, उसको निर्विशेषवादी कहते हैं, और एक प्रकार के मायावादी है जो बोलते सब सब लोग भगवान है, और यह आप जोग साधन करके आप ही भगवान बन जाओगे। वैसे बहुत सारे तथाकथित जोगी होते हैं, गुरु होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक होते जो ऐसे मायावादी भाष्य बोलते हैं, और उनके जो कथा है वो वाच्य बेगम है, उनके जो किताबें हैं वो वाच्य बेगम है, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो चैतन्य वो बोलते हैं मायावादी भाष्य सुनने हॉय सर्वनाश, आपके भक्ति खत्म हो जाएगा। जो बोलते भगवान के साथ एकाकार हो जाना, मैं भी भगवान तुम भी भगवान सब लोग भगवान सबकी सेवा करो, ऐसे बोलते हैं, जीव सेवा शिव सेवा ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं भारत में, तो हर जगह में भरा पड़ा हुआ है, जो धर्म के नाम पे और साधुओं के पोशाक पहन के भगवत नास्तिकवाद प्रचार करते हैं, भगवत भगवान की शरणागति के विरुद्ध गलत फिलोसॉफी का प्रचार करते हैं जो शास्त्र में वर्णन नहीं है, सिद्धांत विरोध। और ऐसे लोगों की जो लेक्चर है, ऐसे लोगों की जो किताब है, दिस इज वाच्य बेगम, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारा आर्टिकल्स होता है, अलग अलग प्रकार की इज्म लिखा गया है, सोशलिज्म, कॉम्युनिज्म, क्या बोलते अलग अलग प्रकार के इज्म होता है। तो लोग गॉड कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट नहीं मानते हैं, वो लोग सोचते नहीं सोशलिज्म इज बेटर, वी आर नेशनलिज्म इज बेटर, वी शुड सर्व द सोसाइटी, वी शुड सर्व द नेशन, वी शुड बिकम वेजिटेरियनिज्म, दिस इज्म दैट इज्म, प्रभुपाद से लाइक दिस। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज क्योरिंग द रूट, जो हमारे जो रूट प्रॉब्लम है उसको समाधान करते हैं। अगर आप उस रूट को क्योर नहीं करते तो बाहर में बहुत सारे प्रॉब्लम रह जाएगा, बाहर में बहुत प्रकार के जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, नेशनलिज्म सोशलिज्म, बहुत प्रकार की लड़ाई चल रहा है, और कुछ लोग आके बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग यूनाइटेड है, यूनाइटेड किंगडम ना उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र संघ जो होते हैं, वो आके बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग चिंता मत करिए, हम सब सबको इकट्ठा करेंगे, हम लोग पीस लाएंगे।
हम लोग पीस लाएंगे, हाँ हम लोग सभी देश को एक साथ करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, हर साल उनका एक झंडा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है जो देश भाग होते जा रहे हैं, भाग होते जा रहे हैं। तो लोग दिस इज्म, दैट इज्म, पैट्रियोटिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सब बहुत प्रकार की प्रचार करते हैं, लेकिन आत्मा की ज्ञान कि भगवान सबके पिता है और भगवान के संग कनेक्शन में हम सभी लोग उनके पुत्र है, तो भगवान को सेंटर में नहीं लाते हैं, दिसिज्म दैटिज्म बोलते हैं। तो ऐसे तथाकथित जो दिसिज्म दैटिज्म जो बहुत प्रकार के थोड़ा एजुकेटेड लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक्चुअली बाच बेगम है। अगर भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं होता है वो बाच बेगम है। इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक श्लोक कोट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है और उसको आप अच्छे से उसके डेड बॉडी को अच्छे से सजाते हैं, बहुत नया कपड़ा पहनते हैं और उनको अच्छे अच्छे अलंकार से फूलों के माला से सजाते हैं, तो उसका कोई फायदा है क्या? उसको कोई अच्छे सजाने से कोई फायदा है? आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज बी विथ अस टिल 9:10 है, 9 हम लोग कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ फायदा है क्या बताइए? नो प्रभु, नो प्रभु, हाँ कुछ फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया है भगवत भक्ति हीनस्य जाति धर्म जपो तपो अप्राण सही देहस्य मंडलम लोकोरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, अगर कोई व्यक्ति भगवत विहीन होता है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति, भगवत भक्ति अगर विहीन होता है, जैसे कोई व्यक्ति आत्मा नहीं रहता है शरीर में, केवल शरीर होता है, तो शरीर मरा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार भगवत भक्ति हीनस्य, भगवान के भक्ति के विहीन अगर कोई जाति होता है, कोई धर्म होता है, कोई जप होता है, कोई तप होता है, तो ये सब कुछ यूजलेस है। ठीक जैसे अप्राण सही देहस्य मंडलम लोकोरंजनम, लोगों को दिखाने के लिए अप्राण सही देहस्य प्राणहीन शरीर को सजाया जाता है, उसी प्रकार इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आत्मा की विकास या भगवत भक्ति के विकास नहीं हो रहा है, जो हमारे असली जीवन है, आत्मा की असली कर्तव्य है, मनुष्य की असली कर्तव्य है। तो इसलिए ये जो तथाकथित प्रगति है, तथाकथित यूइज्म है, तथाकथित नोबेल्स हैं, तथाकथित एजुकेशन है, ये पांच बेगम के जैसा है। तो इसलिए हमें ये जो मायावादी के जो किताब है, मायावादी को लेक्चर है, मायावादी और ये जो दिसिज्म दैटिज्म के अलग अलग प्रकार किताब है, मैगजीन्स हैं, नोबल्स हैं, इसको पढ़ना नहीं चाहिए। जो उनके पांच बेगम उसमें फेंका है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वी शुड स्पीक कृष्ण कथा, डाइवर्ट आवर टॉकिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिस्कस अबाउट द डिवोशनल सर्विस एंड द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा। हमें कृष्ण कथा बोलना चाहिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस रिलेटेड किताबें हमें पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये है बाच बेगम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संबंध में उस तात्पर्य को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, तो संबंध में जो मंडेन लिटरेचर्स हैं, भौतिकवादी जो ग्रंथ हैं, मायावादी जो ग्रंथ हैं, इसको 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 प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ क्रोस, कौवे के तीर्थ के साथ तुलना किए हैं। तो कौवा कहाँ बैठता है? इधर डस्टबिन है। कोलकाता में बहुत सारा क्रोस है। तो उशंति मानसा तद बायसम तीर्थ, उशंति मानसा तद बायसम तीर्थ,
पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज. तो सिमिलरली क्रो क्लास ऑफ पीपल विल रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब बाच बेगम है. जितने भी रिपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मेटेरियलिस्टिक पीपल हैं, ऑल दिस न्यूज़ आर देयर इन न्यूज़पेपर एंड न्यूज चैनल्स एंड ऑल दिस थिंग्स. उसके बारे में चर्चा होता है. आहार, निद्रा, भय, मैथुन. आहार, निद्रा, भय, मैथुन. नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ह्यूमनिज्म, सोशलिज्म, शो सो कॉल्ड लव. But they don't think about the soul. Nationalism, दूसरे को हिंसा करते हैं. हम इंडियन हैं, दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं. लेकिन ये शरीर के स्तर पे हैं. लेकिन जो आत्मा के स्तर पे होते हैं, वो सबके प्रति समभाव होते हैं. केवल इंडियन नहीं, पूरे पूरे पशु पक्षी के प्रति भी सम्मान करते हैं. तो इसलिए प्रभुपाद जी हैं, ये जो भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण ये बोलते हैं. आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आज समय कम है, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूं कि कल एकादशी है. तो तद बाय सम तीर्थ उसंति मानसा ए ए ए ए ए क्रो मतलब काक के, कौवे के तीर्थ है. क्रो क्लास ऑफ पीपल विल 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 गैदर देयर. ऐसे सुबह अलग अलग पार्क में जाएंगे तो लोग सुबह उठ के यहाँ एक साथ आते हैं और एक साथ बातें करते रहते हैं. क्या सब कहाँ पॉलिटिक्स के बात हुआ, का फिल्म का बात हुआ, हाँ का मूवी का बात हुआ, का लोगों के घर में प्रॉब्लम चल रहा है, कहाँ कौवे लोग एक साथ आके उल्टा सीधा ये सब पक 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 करते रहते हैं. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती करके कहते दूसरे ओर जो श्रीमद भागवतम है, तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो जस्मिन् पति श्लोकम अभुद्धवती अपि नामानि अनंतस्य जसांकितानि यत् श्रृण्वन्ति गायन्ति घृण्वन्ति साधव. तो दूसरे ओर जो श्रीमद् भागवतम है, तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो, अघो मतलब पाप, इस पाप में समाज में विप्लव लाता है, रिवोल्यूशन लाता है. पाप में लोगों की समाज में तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो, विप्लव लाता है जनता के जीवन में. जिसके हर श्लोक में जस्मिन् पति श्लोकम अभुद्धमति अपि, जिसके पति श्लोक में नामानि अनंतस्य जशंकितानि, जद भगवान के नाम जश गाया गया है. और इसलिए साधव साधु साधु रूपी व्यक्तिगण इसका श्रृण्वन्ति गायन्ति घृण्वन्ति साधव, इनका श्रवण करते हैं, गाते हैं और क्या करते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं. तो एक तरफ तो कौवे के लिटरेचर है, जो कोर क्लास ऑफ मैन, वो ये सब जो मैटेरियलिस्टिक है, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है और अलग अलग प्रकार के जो जो मायावादियों की किताब है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं और उसके उस उधर जो स्टूल है, उधर जो गंदगी है, उसको अपने शरीर में डाल देते हैं, उसके चेतना में डाल देते हैं, उसके हृदय में घुसा देते हैं. एंड दे बिकम ऑलवेज डिस्टर्ब ऑलवेज पजल्ड ऑलवेज इन एंजाइटी because they discuss, they think, they speak about all this nonsense which is not connected with krishna consciousness. apashyatam atma tatto, atma sakshatkar ke bihin hai, atma ke uddeshy ke bihin hai aur isliye atma ko santusht nahi kar pata hai, atma ka kartavya ko palan kar nahi deta hai. lekin dusre aur ye jo transcendental literature hai, shrimad bhagavatam bhagavad gita, ये एक पाप पंकिल समाज में विप्लव लाता है. श्रील प्रभुपाद जी के जो किताब है, प्रैक्टिकली सारे विश्व में रिवोल्यूशन लाया है. अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जितने लोग हिप्पी बन गए थे, क्रो क्लास ऑफ पीपल बन गए थे, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग करना, ऐसा भी उनके कल्चर था. लेकिन ऐसे लोग वैष्णव बन गए,
इस दिव्य किताबों के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारा मंदिर जो है ये ईटा से नहीं बना है, नॉट एस्टेब्लिश बाय ब्रिक, बट इट डिड दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ट बाय बुक्स नॉट बाय ब्रिक्स। तो प्रभुपाद बोलते बुक्स आर द बेसिस ऑफ दिस मूवमेंट। एक किताब की ये मूवमेंट है, एक किताब से शुरू हुआ है, ये मूवमेंट किताब से चल रहा है और एक मूवमेंट किताब से एडवांस हो रहा है। इसका शुरुआत हुआ है, इसका मेंटेनेंस हो रहा है और इसका एडवांसमेंट। जो डिवोटीज है किताब पढ़ के भक्ति में बने हुए हैं, इसलिए हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं भक्ति में सस्टेन करने के लिए, भक्ति में बने रहने के लिए। तो दिस बुक्स आर नॉट एन ऑर्डिनरी बुक्स, इज ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। हम लोग किताब पढ़ के भक्त बने हैं और किताब पढ़ के भी भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए किताबें को पढ़ना बहुत आवश्यक, ऐसे नहीं कि इस कान से सुना उस कान से निकल गया। इसको कहते हैं इस्कॉन। बहुत बार कुछ लोग इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन से घुसते हैं उस कान से निकल जाते, इस कान से घुसाते दूसरे कान से निकल जाते। हाँ प्रभु अटेंडेंस दे दिया था, आया राम गया राम, लेकिन उसमें फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस कान से घुसाना पड़ेगा और अंदर घुसाना पड़ेगा कि निकले नहीं, याद करना पड़ेगा, जो सुन रहे हैं उसको स्मरण करना पड़ेगा कि क्या पढ़ा था, क्या रूप को समीप बोला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मान तो ऐसा बोल रहे हैं, बाहर की परिस्थिति ऐसा है, दोस्त लोग ऐसा बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें विचार करना चाहिए, विचार करने से मिलेगा, विचार करने से किला मिलेगा, विचार करने से मिलेगा आचार। और अगर आचार करेंगे तो आपको मिलेगा आपको मिलेगा रियलाइजेशन, प्रैक्टिस अनुभव होगा। तो इसलिए हमें नॉनसेंस टॉक नहीं करना चाहिए, नॉनसेंस टॉक नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कृष्ण कथा बोलना चाहिए, कृष्ण नाम जप करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। आज के दुनिया में लोग क्यों मंडेन टॉक कर रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्रचार नहीं कर रहे इसलिए लोग माया में पड़े हुए हैं। अलग अलग प्रकार के बाहर में बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए बड़े बड़े ऑडिटोरियम स्टेडियम बनाया गया है, नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में कोई प्रोपागंडा नहीं है, सब लोग सोए हुए हैं। अपना लाइफ, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो बॉडी इज टीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम सभी भक्तों का दायित्व है खुद प्रैक्टिस करें और कुछ लोगों को इंस्पायर करें। तो आज हम लोग इधर समाप्त करते हैं। तो आज विवेक बिंद्रा प्रभु का प्रोग्राम हुआ था और हमारे नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में हम 180 बच्चे लोग रजिस्ट्रेशन किए थे इस प्रोग्राम के लिए। पता नहीं कितने बच्चे लोगों ने देखा है। तो अभी उनका नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, तो 4 डेज का सेशन होगा, 26, 27, 3 और 4। तो उसमें हम लोग देखते हैं कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमें कुछ हेल्प चाहिए आप लोगों से, तो अगर आप लोग कुछ वॉलंटियरली कुछ सेवा कर सकते हैं अगले 2-3 महीना, अगर कुछ बच्चे लोगों को 10 बच्चे लोगों को हर क्लास के लिए, हर वीक में क्लास के लिए अगर फॉलो अप कर सकते हैं, तो दिस विल बी ग्रेट हेल्प। तो हमारे आप लोगों के बैच में जैसे बहुत सारे बच्चे लोग फॉलो अप करते हैं, अक्षय प्रभु, गोविंद प्रभु, नीतीश प्रभु, और सीनियर बैच में और भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो दूसरे दूसरे ग्रुप का फॉलो अप करते हैं। तो इस प्रकार आप दूसरे को कृष्ण कथा बोल सकते हैं, कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं, और इस और कैसे बातें करना है, कैसे बोलना है, कैसे इंस्पायर करना है, तो उसका बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन है, हम लोग आप लोगों को सिखा देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आप लोग ये छोटा सा सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, और इस प्रकार आपने यूजलेस टॉक नहीं करके दूसरे को कृष्ण कथा बोल सकते हैं और कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं,
और इस प्रकार आप आप भगवान की कृपा के पात्र, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, तो गीता में बोलते हैं जो मेरे वाणी का प्रचार करते हैं वो मेरे सबसे प्रिय है। तो आप में से कौन कौन भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? तो आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जब विवेक बिंद्रा प्रभु ने आप सभी इस्कॉन इंडिया यूथ के लिए सभी यूथ के लिए खोल दिया है। तो आप लोग एक दो साल से कृष्ण कॉन्शियसनेस जुड़े हैं, तो आप नए पीढ़ी को नए जनरेशन जो है आप लोगों को ही मदद कर रहे हैं, आप लोग कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप में से हम लोगों को 5-6 लोग चाहिए, एटलीस्ट 6 बॉयज चाहिए। तो आप में से कोई है जो भक्त लोग हैं हेल्प करना चाहेंगे तो हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। तो आपको पूरे वीक में 3 से 4 घंटा 10 लोगों को फोन करेंगे, 5 मिनट करके 5, 10, 50 50 मिनट लगेगा, 50 मिनट हाईएस्ट आपको 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा पूरे वीक में 2 घंटा मतलब आप 2 दिन फोन करेंगे आधा घंटा 2 घंटा भी नहीं लगेगा, 1.5 घंटा में हो जाएगा। तो बहुत छोटा सेवा है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, चैट बॉक्स, टेलीग्राम, मूवीज, स्लीपिंग एक्स्ट्रा टाइम, you can use your valuable time of this human life by giving, inspiring others, inviting others in Krishna consciousness. So, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से कौन कौन डिवोटी आप एटलीस्ट थोड़ा सा समय दे सकते हैं आगे 2-3 महीना। तो दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर दिस सर्विस। तो दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, जैसे हमारे इस बैच में भी सुप्रतीक प्रभु, सुभजित प्रभु और बहुत सारे डिवोटीज हैं, राहुल प्रभु हैं, ये लोग फॉलो अप सेवा करते हैं। तो आप लोग भी हैं जो लोग नहीं कर रहे सेवा को अपॉर्चुनिटी ले सकते। बहुत सारा माता जी भी हैं, आप लोग माता जी का फॉलो अप करना भी चाहते हैं, गर्ल्स का फॉलो अप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो नाउ सेकेंड अनाउंसमेंट इज टुमारो इज पांडवा निर्जला एकादशी। सो यू कैन राइट डाउन द चैट बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू डू दिस सर्विस। सो